शान खान, इनका सवाल ये है कि वज़ू करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद शायद इनको पैर में देखा तो टेप, जो चिपकाने वाली टेप होती है उसको तलवे के अंदर लगा पाया तो क्या वज़ू हो जाएगा या नहीं। तो अगर कोई टेप होती है जो चिपकाने वाली होती है, ज़ाहिर है वो इतनी बड़ी तो होती है कि अगर वो जिस हिस्से में चिपकेगी उसमें पानी तो नहीं बह सकता तलवे में। तो अगर नमाज के बाद देखा कि ज़्यादा बड़ा उसका साइज़ है टेप का, कम से कम इतना 1 इंच के बराबर या इससे ज़्यादा बड़ा है, और वो तलवे के अंदर लगी रह गई और बेध्यानी में वज़ू कर लिया और उसके नीचे पानी भी नहीं गया था, तो इस सूरत में ना वज़ू होगा ना उस वज़ू से नमाज होगी। उसको टेप को छुटा कर वापस से पाँव धोकर फिर दोबारा नमाज़ पढ़ने पर वापस वज़ू दोहराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पाँव धो ले जबकि वज़ू टूटने वाली कोई चीज़ ना पाई गई हो। अब अपनी कज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान, विजिट करें qazacalculator.smsfarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम कज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें।